सो फ्रेंड्स, दो पैकेट लाइव स्टॉक के तो उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोरिम हॉबी और आप हैं काविश के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज न्यू फिशेस फॉर मरीन टैंक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं ये दो पैकेट हैं और आप लोग क्या गेस कर सकते हैं कौन सी फिश होंगी। क्ल्यू, छोटी सी कलरफुल सी फिश। तो अभी चलिए आप लोग को वीडियो में आगे पता चल जाए कौन सी फिश है। तो चलिए सबसे पहले इन फिश को क्या करते हैं, ड्रिप एक्लीमेट से पहले इनको टेम्परेचर एक्लीमेट होने के लिए अपने टैंक में इनको डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। अपने सम सेक्शन में हम इनको डाल देंगे और थोड़ी देर तक इनका वाटर मैच हो जाए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो अब इनको थोड़ी देर तक ऐसे एक्लीमेट होने देंगे, टेम्परेचर मैच हो जाए। ऐसा टेम्परेचर मैच चाहे मरीन हो चाहे फ्रेश वाटर हो, दोनों में आप करा करिए। टेम्परेचर एक्लीमेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, भले या पीएच और सैलिनिटी वगैरह वो तो बाद की बात होती है, बट पहले टेम्परेचर एक्लीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टेम्परेचर मैच हो जाने देते हैं जो बैग के अंदर पानी है फिश का और जो मेरे टैंक का है, फिर उसके बाद का लोग प्रोसीजर आगे स्टार्ट करेंगे ड्रिप एक्लीमेशन वाला। सो फ्रेंड्स, अब हमारे ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स हो चुके हैं, एक्जैक्टली हमको नहीं याद तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट मतलब मैच हो चुका होगा। अब हम आप लोग को फिश दिखाते हैं कौन सी है मेरी फिश। तो क्या दिख रही है आप लोग को इस बैग में कौन सी फिश है? नहीं दिख रही है, हमें भी नहीं दिख रही क्योंकि सही से दिखी दिख रही है अभी। चलिए इसको परेशान नहीं करते हैं और इसको अपने बकेट में रख देते हैं हम लोग और दूसरी वाली भी एक मिनट उसके बाद में निकालते हैं। पहले इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग और ओपन करके पूरे वाटर के साथ में इसको हम लोग डाल देंगे अपनी बकेट में। देख सकते हैं डबल पॉलिथीन पैक है कि काफ़ी अच्छी पैकिंग है ये जो AR Aquatics, हाँ बताना चाहते हैं जो फिश हमने मंगाई है ARK Aquatics दिल्ली, आप लोग भी वहाँ से फिश ले सकते हैं। और फिर अभी दिखाते हैं आप लोग को कैसे फिश हैं ये और वो लोग मतलब कि आस पास डिलीवर करते हैं आप लोग को जहाँ पर भी फिश चाहिए होगी, मतलब कि वो बस या फिर ट्रेन वगैरह से डिलीवर हो जाएगी फिश। बट हम मतलब कि हम पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि बहुत दूर आप लोग ना मंगाइएगा, थोड़ा पास से ही अपने लेने की कोशिश करा करिए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। जो दिल्ली वाले हैं वो लोग वहाँ जाके देख सकते हैं और बाकी आसपास वाले भी वहीं पर ही, मतलब कि दिल्ली और यूपी और ये सब यहाँ जगह डील करिए आप लोग, ज़्यादा सही रहेगा। ये नहीं कि बहुत दूर ना मंगाइएगा, तो फिर मंगाइए तो फिर बाई एयर मंगाइए, बाई प्लेन मंगाइए तो ज़्यादा सही रहता है। इस फिश को निकाल लेते हैं अपना हम लोग। जैसा कि ये देख सकते हैं ये हमारे पॉलिथीन के अंदर, ये देखिए आप लोग को, चलिए इसको बाहर निकालते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं सही से। तो ये देखिए ये है हमारी फायर गोभी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फायर गोभी हमारी, इसको डार्ट फिश भी कहते हैं, डार्ट गोभी भी कहते हैं। और चलिए अब अपनी दूसरी वाली जो है इसको भी निकालते हैं, आप लोग को दिखाते हैं दूसरी वाली मेरी कौन सी फ़िश है। आप लोग गेस करिए कौन सी होगी दूसरी वाली फ़िश हमारी। और चलिए इसकी ये देख सकते हैं आप लोग क्या दिख रहा है कैमरे में, ये तो सही से नहीं दिख रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। इसको भी निकालते हैं हम लोग और देखिए आप लोग कौन सी है। और ये देख सकते हैं ये भी हमारी डार्ट गोभी, फायर फिश, फायर गोभी है हमारी, ये देख सकते हैं। और दोनों मेरी फिश एक ही जगह से आई हैं, ARK Aquatics से, जैसा कि देख सकते हैं। तो अब हम लोग ड्रिप एक्लीमेट करेंगे। ड्रिप एक्लीमेट एक्चुअली कैसे करते हैं ये देख सकते हैं, स्लाइन सेट होता है, कोई भी पाइप यूज़ कर सकते हैं जिसमें रेगुलेटर टाइप का कुछ भी लगा हो। और स्लाइन सेट जो होता है ये मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल पर्पज़ में यूज़ करते हैं, ये आप लोग मेडिकल स्टोर वगैरह से ले सकते हैं, हॉस्पिटल वगैरह से, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो है इसको हम लोग एक एंड इधर कर देंगे और दूसरा वाला एंड हमारा जाएगा मेन टैंक में, जैसा कि चला गया। और अब हम लोग इसको ओपन कर देंगे। जैसा कि हमने ओपन करा है और वाटर आना स्टार्ट हो गया है हमारा ना, देख सकते हैं क्योंकि इसमें साइफन है, पहले से पानी था तो पानी आना स्टार्ट हो जाता है। जब पहले से पानी होता है, जब पहली बार इस्तेमाल करेंगे तब आपको अपने माउथ से सक करना पड़ेगा, तभी पानी आएगा इसके अंदर, देख सकते हैं आप लोग।
तो अब इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे अप्रॉक्स, जब तक मतलब कि जो वाटर है हमारा इसके अंदर और उससे दो गुना नहीं हो जाता है, मतलब कि जैसे कि अभी अगर हमारा वाटर 1 लीटर है तो वो 2 लीटर से ज़्यादा जब तक वाटर नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इसको ऐसे एक्लीमेट होने देंगे। और आप लोग ऐसे एक्लीमेट करा करिए अपनी सारी फिश को, सॉल्ट वाटर स्पेशली, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर में एक्लीमेशन की नहीं पड़ती ज़रूरत, सॉल्ट वाटर में ऐसे आपको एक्लीमेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वरना फिर आपकी फिश स्ट्रेस में आ जाएगी और मे भी हो सकता है डेथ हो जाए अगर आपने अच्छा से एक्लीमेशन नहीं करा और ऐसे ही डाल दिया अपनी फिश को, तो डेथ भी हो सकती है। एक्लीमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो उसको ऐसे एक्लीमेट होने देते हैं हम लोग थोड़ी देर तक। तो फाइनली फ्रेंड्स अपना जो वाटर है 2 टाइम्स हो गया है, तो एक बार सैलिनिटी भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ppt और अपने मेन वाटर की भी सैलिनिटी चेक कर लेते हैं। मैच हो गया है वाटर, मेरे ख्याल सैलिनिटी इसकी भी 35 ppt होगी तभी इतनी है, अगर मतलब कि सैलिनिटी अगर ज़्यादा कम होती है टैंक की, जैसे कि ज़्यादातर सेलर सैलिनिटी कम ही रखते हैं, कम सैलिनिटी पे जो अनवांटेड पैरासाइट्स वगैरह होते हैं वो सब ग्रो नहीं कर पाते हैं, बट इसकी सैलिनिटी 35 ppt होगी। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जो है अपना ये जो ड्रिप एक्लिमेशन इसको कर लेते हैं ऑफ, हो गया अपना ऑफ ये, और इसको हटा लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करेंगे कुछ ही दिनों में मेरे ख्याल से, इसको रख लेते हैं साइड में अपना और अपनी फिश निकाल के ऐड करना शुरू करते हैं। अपनी एक फिश आ गई है फ्रेंड्स, हमने अपनी लाइट ऑफ कर दी है, मेन टैंक की ऑन है और ये अपनी जबरदस्त लग रही है। दूसरी वाली भी रिलीज कर देते हैं हम लोग ताकि दोनों लोग साथ में ही रहें और अकेले ज़्यादा परेशान ना हो। दूसरी वाली भी गई, तो फाइनली फ्रेंड्स हमारी फिश टैंक के अंदर देख सकते हैं कितने अच्छे स्विम वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी हेल्दी भी लग रही हैं। वैसे जब इनको एक्लीमेट कर रहे थे तब भी थोड़ी सी भूखी लग रही थी, तो हमने थोड़ा सा इनको फिश फूड दिया था हिकारी मरीन, तो उन लोगों ने अच्छे से खाया था और फिश काफ़ी हेल्दी है। पहली बात तो मतलब कि जहाँ भी जिस भी सोर्स से लें, जैसे कि अब की हमने ये ARK एक्वेटिक से ली हैं, तो ऐसे ही मतलब कोई भी एक ट्रस्टवर्दी सोर्स होना चाहिए और फिश हेल्दी होना चाहिए। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो कहीं मतलब कि जब फिश मर जाती है ना लाते ही या फिर एक दिन के बाद मरीन की फिश, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है मरीन की फिश, तो वो मर जाती है और इसके मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हाई होता है फ्रेश वाटर से। तो ये चीज़ हमें अच्छी लगी कि हेल्दी है, अच्छे स्विम वगैरह कर रही हैं, ये चीज़ काफ़ी सही है। और वैसे मैंने पहले बोला था मंगाने के लिए, मतलब कि नंबर वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और जैसे कि ये फायर गोभी है, फायर गोभी को डार्ट गोभी भी कहते हैं, डार्ट फिश भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो मतलब कि जो इसको इसका डॉर्सल फिन होता है ना वो डार्ट जैसा होता है, इसको डार्ट फिश भी कहते हैं। और अभी देख सकते हैं मेरी क्लाउन जो थोड़ा सा एग्रेशन इसके ऊपर शो कर रही है, और ये जो फिश है हमारी ये मतलब कि ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती है, ये सेमी मतलब कि काफ़ी
काल्म फिश होती है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसको मतलब कि ऐसे तो ये ग्रुप में रहती है और ग्रुप में अच्छी रहती है, काफ़ी छोटी सी होती है और नैनो टैंक्स के लिए काफ़ी अच्छी फिश है ये। जैसे कि अगर आपका 25 गैलन का या 100 लीटर का टैंक है या फिर 150 लीटर का टैंक है, उसके लिए काफ़ी अच्छी रहती है छोटे टैंक्स के लिए। जैसे कि मेरा भी टैंक है, देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा टैंक नहीं है, 3 फिट्स का टैंक है जिसमें मैं रखा हुआ है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्विम वगैरह कर रही है। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आपको ये फिश कैसी लगी और कौन से फिश में ला के हम ऐड करें सब कमेंट कर दिएगा। और अभी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में काफ़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं प्लांटेड टैंक में और भी टैंक्स में। और जैसा कि इस भी टैंक के लिए हम कुछ और फिश लाने वाले हैं, तो पहले अपडेट के लिए हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हम सारी अपडेट पहले हम देते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।